हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एचपी टेट मेडिकल का मॉडल टेस्ट पेपर, और इसमें जो है वो 30 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के रहेंगे, 60 एमसीक्यू आपके बायोलॉजी के, 30 केमिस्ट्री के एंड 30 जो क्वेश्चन हैं वो जीके के रहेंगे। यानी कि टोटल जो है वो 150 एमसीक्यू जो है वो इस मॉडल टेस्ट पेपर में रहेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज द सेक्शन 1 साइकोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन इज दी, हु हैज प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी अब्राहम मेस्लो ने, ऑप्शन ए। और इसमें इन्होंने जो है वो 5 तरह की नीड्स के बारे में बताया था। फर्स्ट जो पहली आपकी नीड थी वो थी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। सेकंड वन पे आ जाएगी आपकी सेफ्टी, सेफ्टी नीड्स। थर्ड वन पे आ जाएगी लव एंड बिलोंगिंगनेस। फोर्थ वन पे थी आपकी सेल्फ एस्टीम, एंड जो सबसे ऊपर वाली नीड थी दैट इज़ दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो थी 5 तरह की नीड्स थी जिनके बारे में अब्राहम मेस्लो ने जो है वो बताया था। द नेक्स्ट इज दी, विच डोमेन फोकस ऑन फीलिंग एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। तो आपकी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें 3 तरह के डोमेन्स के बारे में बताया गया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स के बारे में। तो जो फीलिंग एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज जो है वो किस कौन से डोमेन में आती हैं आपकी, दैट्स कम्स अंडर द अफेक्टिव डोमेन। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द, अकॉर्डिंग टू फ्रूड सुपर ईगो प्रोबेबली डेवलप ड्यूरिंग। तो सिगमंड फ्रूड ने जो है वो साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात करी थी। तो इन्होंने बोला कि सुपर ईगो जो है वो कब डेवलप होती है, तो सुपर ईगो आपकी जो है वो 5 साल से लेकर जो है जब तक प्योवर्टी मेच्योरिटी नहीं आ जाती तब तक जो है वो चलती है 5 साल से, ठीक है। और जो ईगो होती है आपकी वो क्या होती है, वो जन्म से ही आ जाती है, ठीक है, फ्रॉम दी बर्थ। और जो जो इड होती है वो आपकी बर्थ से ही होती है, इड जो होती है वो फ्रॉम दी बर्थ। और जो ईगो होती है वो 3 साल तक, और जो 5 साल के बाद आती है दैट इज़ दी सुपर ईगो। तो 5 साल के बाद आपको कौन से पीरियड में आएगी, ये लेटेंसी पीरियड में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सनैलिटी ट्रेट। तो इनमें से कौन सा जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, तो ऑप्शन ए जो अभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंटेलिजेंस जो है वो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, बाकी ऑनेस्टी, इंटरेस्ट एंड इमोशनैलिटी तीनों ही जो है वो आपके पर्सनैलिटी ट्रेट हैं। द नेक्स्ट इज द, मोटिवेशन रिजल्ट इन। मोटिवेशन, जब आदमी मोटिवेटेड कब होता है, जब क्या होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा उसका, ठीक है, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द, एसआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो ये इंटेलिजेंस के जितनी भी थ्योरीज या मॉडल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में जो है वो इनमें से क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे पूछा गया है एसआई मॉडल, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। एसआई का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल जो है वो किसने दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल, ये आपका दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज दी, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन कैन बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन। बोले कि आप क्या सोचते हैं, एजुकेशन कब मीनिंगफुल जो है वो एजुकेशन कब होगी, जब हमें इसे जो है वो एम्प्लॉयमेंट सेंटर, जस्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें जो है वो जॉब लगे, या इट इज़ सोसाइटी सेंटर्ड, इट इज़ चाइल्ड सेंटर, या इट इज़ सब्जेक्ट सेंटर। तो एजुकेशन आपकी मीनिंगफुल कब होगी, जब ये क्या होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज दी, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू वाज प्रपोज्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट। तो काफ़ी बच्चे जो हैं इसमें गलत करते हैं, वो हमेशा बीनेट को जो है वो टिक करते हैं, लेकिन जो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो दिया था आपका विलियम स्टर्न ने। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न ने, जो आईक्यू का जो फॉर्मूला था, ठीक है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ये दिया था आपका विलियम स्टर्न ने। द नेक्स्ट इज द, विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव इन फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैव पोटेंशियल टू लर्न। तो कौन से एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनका ये विश्वास है कि सभी बच्चों में जो है वो सीखने की क्षमता होती है। तो ये था आपका ऑप्शन ए, फ्रेडरिक फ्रोवेल ने जो है वो ये कंसेप्ट, ये बोलते थे कि सभी चिल्ड्रन में जो है वो सीखने की क्षमता होती है। द नेक्स्ट इज द, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ।
तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए सिर्फ हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपब्रिंगिंग एंड हमारी जो परवरिश हुई है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं है। ह्यूमन पर्सनैलिटी जो किसके ऊपर डिपेंड है आपकी, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर। द नेक्स्ट इज दी वेयर वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप। तो काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन आता है कि पहली जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है वो कहाँ सेटअप की गई थी, किसने जो इसको सेटअप किया था। तो पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो लिप्ज़िग जर्मनी में जो है वो सेट की गई थी इन 1879। ठीक है, और किसने जो है वो इसको सेट किया था, विलियम वुंड ने। तो कहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ करी थी, कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो तीनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट है ये। द नेक्स्ट इज लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स। तो ये डिसेबिलिटी से भी जो है हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगी कि मोटर स्किल्स में अगर डिसेबिलिटीज हो तो वो कौन सा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलते हैं डिसप्रैक्सिया। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। तो कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक जो है वो बच्चों में मॉरल वैल्यू कैसे डेवलप कर सकता है। इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इज इन डिस्कशन ऑन मॉरल इशूज। ऑब्वियसली बच्चों को जो है वो मॉरल इश्यूज के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो है वो डिस्कस करने को जो है वो बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्टेटेड बाय बाइगोस्टकी मींस। तो बाइगोस्टकी ने ये टर्म दी थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो इसमें क्या बोला था कि ए चाइल्ड नीड असिस्टेंट टू कंप्लीट ए टास्क इनिशियली। ऑप्शन बी, इन्होंने बोला था कि बच्चे को कोई नया काम करने से पहले जो है वो उसको क्या है, किसी बड़े की या जो उससे ज़्यादा जानता है उसकी एक असिस्टेंट चाहिए होती है। ठीक है, उसकी हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। द नेक्स्ट इज द डैश प्रपोज्ड दैट लर्निंग कैन हैपन बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। तो किसने जो है वो ये बोला था कि लर्निंग ऐसे भी हो सकती है कि हम दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम वहाँ से भी जो है वो लर्निंग हो सकती है। तो ये आपकी कौन सी थ्योरी से लिया गया है, सोशल लर्निंग से। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी। और सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो आपकी किसने दी थी, सोशल लर्निंग की जब भी बात आएगी आपने हमेशा जो है वो एल्बर्ट बंडूरा को जो है वो टिक करना है, क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी आपकी, एल्बर्ट बंडूरा ने। द नेक्स्ट इज द साइको एनालिसिस थ्योरी वाज प्रोपोंडेड बाय। तो साइको एनालिसिस थ्योरी आपकी जो है वो सिगमंड फ्रूड ने दी थी, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द ए चाइल्ड लर्न मोर क्विकली व्हेन यू राइट रिस्पॉन्सेज आर री इन्फोर्स्ड बाय। जब बच्चों को ये सही आंसर दे रहा है, ठीक है, तो उसको री इन्फोर्स देनी है किस तरह की, रिवार्ड। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। द नेक्स्ट रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट क्या है, एक तरह की ये री इन्फोर्समेंट्स हैं, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द अल्फ्रेड बिनेट इज एसोसिएटेड विद। तो अल्फ्रेड बिनेट ने जो है वो किससे ये एसोसिएटेड हैं, तो ये आपके इंटेलिजेंस टेस्टिंग से जो है वो रिलेटेड है, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैज। तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का क्या होगा, लैक ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऑब्वियसली लैक ऑफ क्रिएटिविटी, येस, इन एडिक्वेट एडजस्टमेंट होगी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। द नेक्स्ट इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी इफेक्टिवली इज वेयर। बच्चे जो हैं वो कौन सी जगह पर जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, इट इज़ लिटिल नॉइसी जहाँ पे जो है वो शोर हो, या इट इज़ क्वाइट जहाँ पे शांत हो, या जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस हो बहुत सारी, या जो कमरा जो है जहाँ पे वो बैठा है वो पूरली वेंटिलेटेड हो। ठीक है, तो क्या होगा, जहाँ पर क्या हो, शांति हो, इट इज़ क्वाइट, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज द वी कैन टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ। हम फ्रस्ट्रेशन को कैसे टॉलरेट कर लेते हैं, किसकी फंक्शन की वजह से, ईगो, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज द थिंकिंग इज ए मेंटल प्रोसेस दैट डील्स विद। तो थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है जो किसके साथ डील करती है, आपकी थॉट्स एंड आइडियाज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय। तो दो तरह की थ्योरीज हैं, ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, और हमेशा क्वेश्चन आता है इनमें से एग्जाम में, और दोनों में ही जो है वो कंफ्यूज होते हैं। एक है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग और दूसरी है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग।
तो दोनों से जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि किसने इनको दिया था, और कंफ्यूज होते हैं दोनों में। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो दी थी वो आपकी दी थी बीएफ स्किनर ने, और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपकी दी थी पेब्लोव ने। तो दोनों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सीपी एंड ऑपरेंट वाली आपकी दी थी स्किनर ने। द नेक्स्ट, सो द राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे हमारा, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैज आईक्यू। जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड है उसका आईक्यू लेवल कैसा होगा? बिलो 70, ऑप्शन बी। 90 से 110 तक जो है वो क्या होता है, एवरेज लेते हैं हम, ठीक है। और 150 तो फिर हाईली इंटेलिजेंस गिफ्टेड चिल्ड्रंस का हो गया ये। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई हेरिडिटी। अब हेरिडिटी से जो है इनमें से कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं होती है? तो हेरिडिटी से हमारी जो है वो हैबिट्स, आदतें, ठीक है, वो जो है वो हेरिडिटी से अफेक्ट नहीं होती है, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इमोशन। तो इनमें से कौन सा जो है पॉजिटिव इमोशन है? एंगर, जेलस, फेयर। तो पॉजिटिव इमोशन कौन सा है आपका? अफेक्शन। द नेक्स्ट इज दी व्हेन पेब्लोव डिड हिज एक्सपेरिमेंट विद डॉग द साउंड ऑफ बेल वाज दी। तो जब पेब्लोव ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के साथ, तो जब वो बेल बजा रहा था तो वो बेल क्या था, एक तरह का कंडीशनड स्टिमुलस, स्टिमुलस दे रहा था ना वो, और डॉग क्या दे रहा था उसको, रिस्पॉन्स दे रहा था। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो मेंटल इंटेलिजेंस जो है वो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, ऑप्शन डी जो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो आपकी जीन प्याजे ने दी थी। चार तरह की स्टेजेस इन्होंने जो है वो दी थी। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जीन प्याजे की थ्योरी से। तो पहली स्टेज दी थी इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड वाली आपकी जो थी दैट इज दी सेकेंड वाज दी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड वन इज दी लॉजिकल ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ वन थी दैट इज दी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 बायोलॉजी का। इसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो इम्परफेक्ट फंजाई जो है वो किसको बोलते हैं? वो आपके बोलते हैं डिटेरोमाइसिटीज़ को। क्यों इनको जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो क्या होती है? एबसेंट होती है, ठीक है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। नेक्स्ट इज दी सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स बट नो फ्रूट्स दे बिलोंग टू दी ग्रुप। तो जिनमें सीड होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनता है उनको हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द प्रीन ग्लैंड्स इज फाउंड इन। तो प्रीन ग्लैंड को जो है हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। प्रीन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं एंड यूरोपीजियल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, यूरो। तो आप तीनों ही नाम याद रखें। और ये जो है वो आपकी बर्ड्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बर्ड्स के जो फेदर्स वगैरह होते हैं उनको क्या करती है एक्चुअली ये ग्लैंड जो है वो वाटर प्रूफिंग का काम करती है, ठीक है। वाटर प्रूफिंग, तो वाटर प्रूफिंग का काम करती है ये ग्लैंड। तो ये प्रेजेंट होती है आपकी बर्ड्स में, और बर्ड्स आपके किस में आते हैं? एबीज में। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द ब्लवर इज ए टर्म। तो ब्लवर क्या है? ब्लवर जो है वो जो अब वेल होती है उसकी सब क्यूटेनेशियस फैट को जो है वो ब्लवर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वेल की जो हंटिंग है, शिकार है, वो भी इसी फैट के लिए जो है वो किया जाता है। द नेक्स्ट इज द सी हॉर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सी हॉर्स क्या है? सी हॉर्स आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सी हॉर्स आपकी जो है वो मछली है, पाइसिस, ऑप्शन ए। सी हॉर्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका जो फेस होता है वो आगे से हॉर्स की तरह होता है, इसलिए इसको जो है वो सी हॉर्स बोलते हैं। है ये पाइसिस से बिलोंग करता है, मछली है। द नेक्स्ट इज द टॉर्शन ड्यूरिंग ग्रोथ इज शोन इन द फाइलम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टॉर्शन जो है वो कौन सा फाइलम जो है वो, टॉर्शन मतलब ट्विस्टिंग, ठीक है। ट्विस्टिंग जो है वो कौन सा फाइलम शो करता है? तो ये आपका मोलस्का जो है वो शो करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम एग्जाम में जो है वो ये पूछा जा चुका है।
द नेक्स्ट इज द नियोप्लीना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, तो नियोप्लीना जो है वो कनेक्टिंग लिंक है आपका एनालिड्स एंड मोलस्क के बीच में, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द ए फाइलोड इज ए मॉडिफाइड, ये दो तीन टर्म्स हैं फाइलोड, फाइलोक्लैड एंड क्लैडोडोड्स, तो ये तीनों से ही जो है वो क्वेश्चन आता है। तो फाइलोड जो है वो आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ जो है वो पिटियोल होती है, ठीक है, तो यानी कि लीफ की ही मॉडिफिकेशन है फाइलोड। और एक और टर्म आती है आपकी फाइलोक्लैड, तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है, तो ये जो है वो आपकी क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें क्या होता है कि स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, जैसे कि आपने ओपनशिया में देखा होगा, ठीक है, तो फाइलोक्लैड, और एक होती है आपकी क्लेडोड, तो ये क्या है आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, क्लेडोड। ये तीनों ही टर्म्स जो सबसे ज़्यादा तो इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं आपके, फाइलोड और फाइलोक्लैड। तो फाइलोड आपकी मॉडिफिकेशन है पिटियोल की, ठीक है, ये लीफ की, और फाइलोक्लैड जो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है। द नेक्स्ट इज द फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन, तो फाइब्रस रूट सिस्टम आपका मोनोकॉट्स में जो है वो पाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज द पेरीडर्म इज फॉर्म्ड बाय, तो पेरीडर्म जो है वो क्या है, तो पेरीडर्म आपका जो है वो तीन लेयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, पेरीडर्म जो है वो तीन लेयर से मिलकर बना है, फर्स्ट फैलम, फेरोडर्म एंड फैलोजन, तो ये तीनों ही टर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैलम को जो है वो कॉर्क बोलते हैं, क्वेश्चन ये आया था लास्ट टाइम एग्जाम में टेट में कि कॉर्क को जो है वो क्या बोलते हैं, तो उसको फैलम बोलते हैं। फैलोडर्म आपका हो गया कॉर्क कैम्बियम एंड जो फैलोजन, फैलोजन है वो हो गया आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स याद रखें कि फैलोजन को क्या बोलते हैं, फैलोडर्म को क्या बोलते हैं एंड फैलम जो है वो उसको क्या बोलते हैं, और इन तीनों को मिलाकर जो है वो क्या बनता है आपका, पेरीडर्म, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। द नेक्स्ट इज द निक्टिएटिंग मैम्ब्रेन ऑफ फ्रॉग इज, तो फ्रॉग की निक्टिएटिंग मैम्ब्रेन जो है ट्रांसपेरेंट होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अकर्स इन, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, लाइसोसोम्स में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज द सेल ऑर्गेनली इज बॉन्डेड बाय सिंगल मैम्ब्रेन, तो इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनली जो है वो जिसकी मैम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, सिंगल। माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मैम्ब्रेन ऑर्गेनली है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मैम्ब्रेन ऑर्गेनली है, न्यूक्लियस भी आपका डबल मैम्ब्रेन, बचा कौन सा आपका, लाइसोसोम। द नेक्स्ट इज द बैक्यूल इज लाइंड बाई द मैम्ब्रेन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है, बैक्यूल की जो मैम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका सर्कुलर हेलिकल, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, तो सबसे सिंपल अमाइनो एसिड आपका है ग्लाइसिन, ऑप्शन सी जो है अभी यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अमीन अमाइनो ग्रुप एंड बस कार्बन की बैलेंसी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। द नेक्स्ट इज द फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, तो फेलिंग सॉल्यूशन आपका जो है वो ग्लूकोज की डिटेक्शन के लिए जो है वो यूज किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, मेनली जो है वो आपके डायबिटीज के टेस्ट के लिए जो है वो ये यूज किया जाता है। द नेक्स्ट इज द इन फ्रूट सच एज भिंडी द म्यूसिलेज इज मेड अप ऑफ, तो जो म्यूसिलेज होता है वो किससे बना होता है, वो आपका बना होता है ग्लैक्टोज से, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इज, तो डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो कौन से फेज में होती है आपकी, एस फेज में, ऑप्शन सी, ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपका। द नेक्स्ट इज द फ्यूजन स्टेन स्पेसिफिक फॉर, तो फ्यूजन स्टेन आपकी जो है वो डीएनए के लिए जो है वो यूज होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ गटेशन, तो गटेशन का जो मेन रीजन है वो क्या है आपका, रूट प्रेशर, ठीक है, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर देन द साइटोप्लाज्म द सोल्यूशन इज नोन एज,
ठीक है, अगर ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो साइटोप्लाज्म से ज़्यादा है तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटॉनिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइपरटॉनिक। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होती साइटोप्लाज्म से तो हाइपोटॉनिक, और अगर सेम कंसंट्रेशन होती तो आइसोटॉनिक होना था। द नेक्स्ट इज द फॉल ऑफ इमैच्योर लीफ या प्री मैच्योर लीफ, ठीक है, इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो प्री मैच्योर लीफ जो है वो गिर जाती हैं वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, वो होता है आपका फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट इज द वोरोन इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन, तो वोरोन फोटोसिंथेसिस में जो है वो असिस्ट करता है, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज द डार्क रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस क्या होती हैं, जो सिर्फ लाइट में होती हैं, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, नो, इंडिपेंडेंट होती हैं जो लाइट के ऊपर, ठीक है, तो ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज द सी फोर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, सी फोर साइकिल को जो है वो और कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसको हैच एंड स्लेक पाथवे के नाम से जाना जाता है, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये साइकिल दिया था, ठीक है, तो सी फोर साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हैच एंड स्लेक पाथवे। आपका जो ईएमपी पाथवे है ये जो है वो ग्लाइकोलिसिस वाले पाथवे को बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं ईएमपी पाथवे, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, एंड सिट्रिक एसिड साइकिल एंड क्रैब साइकिल, और जो आपका ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी बोलते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, ओके। द नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ सपोर्टिंग पोटैटो ट्यूबर विल बी, तो पोटैटो क्या होता है आपका, स्टार्च, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है वो कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोशेंट हमेशा आपका इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है, और जो प्रोटीन्स होंगी आपकी उनका 0.9 के करीब रहेगा, और फैट्स का जो है वो इससे कम होगा। द नेक्स्ट इज द स्ट्रेस हार्मोन इज, तो स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, आपका एब्सिसिक एसिड को जो है वो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द पार्शली डाइजेस्टेड फूड दैट लीव द स्टमक, ठीक है, तो जब हमारा खाना मुंह से जो है वो, माउथ से जो है वो ईसोफेगस में जाता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है, और जब स्टमक से जो है वो बाहर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल, ओके, सो ऑप्शन दोनों सेम ही है। द नेक्स्ट इज द विच वन इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच हो रहा है, तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, ये सही है, ठीक है, विटामिन डी को जो है वो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ओके, एंड विटामिन ए जो है वो उसको क्या बोलते हैं हम, रेटिनॉल, और बाकी ये थायमिन और राइबोफ्लेविन जो है वो B1 और B2 के जो है वो केमिकल नेम है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाई द मीन इज वाटर सोल्यूबल एज वेल एज एन एंटीऑक्सीडेंट, कौन सी यहाँ पे विटामिन जो है वो वाटर सोल्यूबल भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है, तो आपकी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो ओनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, बाकी सारी फैट सोल्यूबल हैं, ठीक है, और विटामिन सी जो है वो आपकी वाटर सोल्यूबल होने के साथ साथ क्या है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। द नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ओब्लंगेटा जो है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट इज द पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क मीन्स, तो जब भी दूध का आप पैकेट लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है पाश्चराइज्ड मिल्क, तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं वो क्या हैं, किल्ड, ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज आर किल्ड, ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनको किल करके जो है जो प्रोडक्ट की जो लाइफ लाइन है वो के बढ़ा दी जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द पेस मेकर इज ए, तो पेस मेकर आपका किसको बोलते हैं, एसए नोड को, हार्ट ऑफ हार्ट, तो हार्ट ऑफ हार्ट भी आपका एसए नोड को बोलते हैं। द नेक्स्ट इज द बोमेन्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, अब देखो बोमेन्स ग्लैंड्स और बोमेन कैप्सूल दो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर बोमेन कैप्सूल पूछा जाता तो वो आपका किस में प्रेजेंट होता है, किडनीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन बोमेन ग्लैंड्स जो है वो आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। द नेक्स्ट इज द रिब्स आर अटैच्ड, तो रिब्स जो है वो किसके साथ अटैच होती हैं आपकी, स्टर्नम के साथ, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट।
द नेक्स्ट इज दी मायोग्लोबिन्स अक्कर इन, मायोग्लोबिन जो है वो किसमें प्रेजेंट होती है, ये आपकी रेड मसल्स फाइबर में जो है वो प्रेजेंट होती है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज दी विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल द हार्ट मसल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो हार्ट मसल्स को कंट्रोल करती है, ऑप्शन बी बेगस, 10th क्रेनियल नर्व है ये आपकी, ठीक है. द नेक्स्ट इज दी इको लोकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इको लोकेशन जो है वो किसका करेक्टर है आपका, बैट चमगादड़ का. द नेक्स्ट इज दी हार्मोन विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो कौन सा हार्मोन जो है मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, दैट इज प्रोलैक्टिन. नेक्स्ट इज दी इंसुलिन इज ए, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन आपका एक हार्मोन है लेकिन कौन सा, प्रोटीनिशियस हार्मोन, ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज दी फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन इज कॉल्ड, तो जो एमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको, एड्रेनालिन को, ठीक है, जब भी एमरजेंसी सिचुएशन होती है, डर लगता है, बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, तो क्या होता है, एड्रेनिल हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोलते हैं एंड इसको एमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, एमरजेंसी हार्मोन. द नेक्स्ट इज दी सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड, ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बंद हो जाता है उसको हम, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मीनोपोज, ऑप्शन ए, ठीक है. और ये कब आता है आपका, एट द एज ऑफ 50 या इसके बाद. द नेक्स्ट इज द मिडल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन, तो जो स्पर्म का जो मिडल, देखो स्पर्म के जो तीन पार्ट होते हैं, हेड, ठीक है, मिडल पीस और बाद में क्या आती है, टेल. तो हेड रीजन में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मिडल पीस में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रेजेंट होते हैं क्वाइल्ड अराउंड एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, मिडल पीस में, मिडल से याद रखना, एम से मिडल से माइटोकॉन्ड्रिया क्वाइल्ड अराउंड एक्सियल फिलामेंट, और टेल जो है वो उसकी मोटिलिटी यानी कि उसको चलने में जो है वो स्पर्म को जो है वो चलने में हेल्प करती है, ठीक है. तो मिडल पीस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्सियल फिलामेंट, ऑप्शन डी. द नेक्स्ट इज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, द सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इज, तो ये तीन तरह के जो हैं वो सिंड्रोम है, तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तीनों में से किसी में से क्वेश्चन आ सकता है. एक तो ये हो गया आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जो मेल होते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स. नॉर्मल जो है वो क्या होता है, एक्स एंड वाई होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें एक और एक्स्ट्रा जो है वो एक्स प्रेजेंट होगा, ओके. यानी कि कुछ जो है वो फीमेल करेक्टर जो हैं वो ऐसे, जो इस सिंड्रोम जिनमें होगा उसमें कुछ फीमेल करेक्टर जो हैं वो शो होंगे, ठीक है. तो यहाँ पे पहले हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं, ऑप्शन ए जो है वो, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो गया आपके 22 पेयर, और एक पेयर जो लास्ट का होता है सेक्स क्रोमोसोम, उसमें जो है वो एक्स्ट्रा एक्स जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है. दूसरा जो होता है आपका डॉन सिंड्रोम, और एक आपका होता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है. तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल्स में क्या होता है इसमें, कि एक ही एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है. जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, तो वो ऐसे होते हैं ना, डबल एक्स होते हैं, तो जिसको टर्नर सिंड्रोम होगा उसमें एक ही एक्स जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है. जैसे ये है इसका, ये है आपका टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम्पल. और डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, ये जो है वो आपका क्रोमोसोम नंबर 21 से रिलेटेड जो है वो आपका सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम. द नेक्स्ट इज इन सीकल सेल एनीमिया, द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, तो सीकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड को कौन रिप्लेस करता है आपका, वैलिन, ऑप्शन ए, ठीक है. द नेक्स्ट इज द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वायरस का प्रोटीन कोड उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड, ऑप्शन सी. द नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज गिवन बाय, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आइडिया आपका दिया था डार्विन ने, ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज द रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश इन पॉन्ड लेक एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर इज कॉल्ड पाइसिकल्चर, ऑप्शन बी. द नेक्स्ट इज द बीओडी, बीओडी क्या है आपका, ये है आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. एक और होता है सीओडी, उसको बोलते हैं हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड.
द नेक्स्ट इज द पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी आपकी, फ्लेमिंग ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द फर्स्ट हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया, दैट इज इंसुलिन। नेक्स्ट इज द रैपिड डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है वो एकदम से डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, एकदम से जो है वो ग्राफ नीचे चले गए, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन क्रैश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, तो एनर्जी का पिरामिड जो है वो हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है, ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या होती है, घटती जाती है, जैसे ये प्लांट्स हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे ना, इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम होती जाती है, ठीक है, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे करके। तो अब हमेशा जो होता है एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा पिरामिड, सॉरी अपराइट। द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, इट्स 0.03%। लाइकन्स डू नॉट अकर इन द एरिया विद, लाइकन्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, लाइकन्स आपके पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द एसिड रेन्स आर कॉज्ड ड्यू टू, एसिड रेन किसकी वजह से होती हैं आपकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज ओपियम, तो ये है लेटेक्स फ्रॉम अनराइप कैप्सूल। नेक्स्ट इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ रेट्रोवायरस, तो रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटीरियल आपका क्या होता है, सॉरी आरएनए जो है वो जेनेटिक मटीरियल होता है रेट्रोवायरस में। नाउ द सेक्शन नंबर 3, दैट इज़ द जनरल नॉलेज, और इसमें भी जो है वो 30 MCQ रहेंगे। सो फर्स्ट इज द विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो है वो 5वां जिला जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से हमेशा जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 5वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था, 6ठा डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था। तो जब हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था उसमें जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल प्रदेश के, कौन कौन से थे, चंबा था, मंडी, सिरमौर एंड महासू, ये जो थे वो 4 डिस्ट्रिक्ट थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 में 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 5वां जिला जो ऐड किया गया था हिमाचल प्रदेश में था वो था बिलासपुर का, ठीक है, और ये ऐड किया था आपका 1 जुलाई 1954 को, इसकी डेट भी याद रखें क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आता है, 1 जुलाई 1954 को जो है वो बिलासपुर जो है वो 5th डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल प्रदेश का, और जो 6th डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल प्रदेश का वो था किन्नौर, और ये बना था आपका 1 मई 1960 को, और उसके बाद जो है वो 1966 को जो है वो नवंबर 1966 को पंजाब बाउंड्री जो कमीशन के तहत जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और बाकी के जो सोलन वगैरह के एरिया थे उनको भी जो है वो हिमाचल में जो है वो शामिल किया गया था। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो यही पूछा जाता है कि 5वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, दैट इज़ द बिलासपुर, और 6th डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा ऐड किया गया था, दैट इज़ द किन्नौर, और डेट्स भी जो है ज़रूर याद रखें आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दी हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो अभी के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो वो हैं आपके लिंगप्पा नारायण स्वामी, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द नगर कैसल, नेहरू कुंड आर प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये दोनों जो हैं वो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट हैं, ऑप्शन बी जो है वो राइट है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी दराती पास इज बिटवीन, तो दराती पास आपका जो वो चंबा और पांगी के बीच में है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। एक और पास है इसमें से भी जो है वो क्वेश्चन आता है कई बार, कुगती पास जो है वो किसके बीच में है, तो ये आपका जो है वो लाहौल एंड भरमौर के बीच में है, लाहौल एंड भरमौर के बीच में है आपका कुगती पास। द नेक्स्ट इज दी चंद्र नाहन लेक इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चंद्र नाहन लेक जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में प्रेजेंट है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। द नेक्स्ट इज दी चंद्रा वैली इज ऑल्सो नोन एज, तो चंद्रा वैली को जो है वो रंगोली वैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। चंद्रा के साथ साथ एक और है भागा वैली,
ठीक है। भागा वैले को जो है वो गारा के नाम से जाना जाता है, गारा वैले के नाम से, और दोनों को मिला के चंद्र भागा वैले को जो है वो, दोनों को मिलाकर जो है वो पत्तन वैले के नाम से जाना जाता है। चंद्र और भागा को पत्तन वैले के नाम से जाना जाता है, और रोहडू वैले जो है वो उसको आप पब्बर वैली के नाम से भी जाना जाता है। द नेक्स्ट इज द लेडी ऑफ केलोंग इज ए, तो ये लेडी ऑफ केलोंग जो है वो क्या है, तो ये जो है वो एक ग्लेशियर है, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। और लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो आपका कौन सा है, लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो है आपका बड़ा शिगड़ी, ओके बड़ा शिगड़ी जो है वो लार्जेस्ट ग्लेशियर है। द नेक्स्ट इज दी हु वाज द ऑथर ऑफ बुक किन्नर देश, किन्नर देश बुक के ऑथर जो है वो कौन थे, तो वो थे राहुल संस्कृत्यान, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। इन्होंने एक और बुक लिखी थी, दैट इज द हिमालय परिचय, हिमालय परिचय। और जो देवराज शर्मा है, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है हिमाचल, हिमाचल अतीत वर्तमान एंड भविष्य एक झलक। और जो एलसी प्रार्थी हैं, इनसे भी जो है वो क्वेश्चन आता है, तो एलसी प्रार्थी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है कुलूत देश की कहानी, ओके कुलूत देश की कहानी। द नेक्स्ट इज द बुराह डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो बुराह डांस जो है वो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो फोक डांस है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चंबा का जो फोक डांस है दैट इज द झांझर, काफ़ी टाइम जो है वो इसमें से क्वेश्चन आता है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है ये चंबा का झांझर डांस। एंड शिमला का जो डांस है दैट इज़ द नाटी, एंड नाटी जो है वो शिमला में परफॉर्म की जाती है। एंड डोडरा कवार डांस, ओके डोडरा कवार डांस, ये भी जो है वो शिमला का फोक डांस है। द नेक्स्ट इज द पत्थर का खेल इज प्लेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो पत्थर का खेल आपका जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो प्ले किया जाता है। और क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि शिमला के कौन से विलेज में, तो हलोग विलेज में जो है वो ये परफॉर्म किया जाता है, शिमला के हलोग विलेज में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, और ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो है वो ये होता है। द नेक्स्ट द शीप ब्रीडिंग सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट चंबा इज एट, चंबा में जो शीप ब्रीडिंग सेंटर, गवर्नमेंट जो शीप ब्रीडिंग सेंटर्स हैं वो कहाँ पर है, तो चंबा का जो शीप ब्रीडिंग सेंटर है वो सरोल में प्रेजेंट है, ठीक है। और भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, शिमला का जो शीप ब्रीडिंग सेंटर है शिमला का आपका जो शीप ब्रीडिंग सेंटर है वो प्रेजेंट है आपका जियोरी में, और हमीरपुर का जो शीप ब्रीडिंग सेंटर है वो प्रेजेंट है आपका ताल में, किन्नौर का जो शीप ब्रीडिंग सेंटर है वो है आपका कड़छम में, कड़छम, और मंडी का जो शीप ब्रीडिंग सेंटर है दैट इज द नगवां, ओके। तो ये आप सारे ही नाम याद रखें, किसी में से भी जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये ज्योरी और ताल वाला जो है वो काफ़ी टाइम एग्जाम में आता है, ठीक है, कि हमीरपुर के कौन सी जगह पे जो है वो शीप ब्रीडिंग सेंटर दैट इज इन दी ताल, और शिमला में कौन सी जगह पे है, ज्योरी में, और चंबा डिस्ट्रिक्ट का सरोल, किन्नौर कड़छम, एंड मंडी का जो है वो नगवे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो आपके वाइस प्रेजिडेंट होते हैं। द नेक्स्ट इज द, इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हु इज द ओनली पर्सन हु वन द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो बीवी गिरी जो थे वो एकलौते ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि इंडिपेंडेंट जो है वो जीते थे। द नेक्स्ट इज द कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से जो है वो बोरो की गई, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। जर्मनी से भी जो है वो सिर्फ एक ही फीचर जो है वो बोरो किया गया है, दैट इज द सस्पेंशन ऑफ, लास्ट टाइम जो है वो ये वाला क्वेश्चन आया था, जर्मनी से जो है वो कौन सा फीचर बोरो किया गया है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन एमरजेंसी, ठीक है, एमरजेंसी में जो है वो फंडामेंटल राइट्स को क्या हो सकता है, सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो जापान है, जापान से भी एक ही फीचर लिया गया है, दैट इज द लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट बर्क, लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट बर्क, तो ये जो है वो आपका जापान से लिया गया है। एंड कनाडा से जो है वो दो फीचर जो है वो बोरो किए गए हैं,
फर्स्ट इज द स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर स्कीम ऑफ, ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका एग्जाम में आया था, स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड सेकेंड वन जो था दैट इज जो पावर है वो स्टेट और सेंटर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तो ये दो जो है वो कैनेडा से लिए गए थे. द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज रिलेटेड विद पंचायती राज, तो इनमें से कौन सा शेड्यूल जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, तो आपका 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज से जो है वो रिलेटेड है. आपका जो 12th शेड्यूल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आता है, वो आपका रिलेटेड है म्यूनिसिपैलिटी से. ओके, द नेक्स्ट इज द व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर के लिए जो है वो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, दैट इज द 30 ईयर्स. लोकसभा मेंबर के लिए जो है वो आपकी मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है वो मिनिमम एज जो है वो आपकी 35 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए. द नेक्स्ट इज द हाउ मैनी उपनिषद आर देयर, तो कितने उपनिषद हैं आपके, 108. द नेक्स्ट इज द हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी. द नेक्स्ट इज द आर ए समाज वाज फाउंडेड बाय, तो आर ए समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो आर ए समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद, और इन्होंने जो है वो 1875 में जो है वो इसकी स्थापना करी थी, एंड उनका जो मोटो था वो क्या था, गो बैक टू बेदाज उनका ये मोटो था, एंड इंडिया फॉर इंडियंस. और जो राजा राममोहन राय थे, ठीक है, इन्होंने जो है वो ब्रह्मो समाज की जो है वो स्थापना करी थी, राजा राममोहन राय ने ब्रह्मो समाज की जो है वो स्थापना करी थी, और 1828 में जो है वो इन्होंने ये स्थापना करी थी, और इनका जो है वो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सती प्रथा वगैरह जो कास्टिज्म था उसको क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, और जो बिड्डो रीमैरिज है उसको जो है वो इन्होंने क्या बोला था कि बिड्डो की जो है वो रीमैरिज होनी चाहिए, और जो विवेकानंद जी हैं इन्होंने जो है वो रामकृष्णन मिशन की जो है वो स्थापना करी थी, रामकृष्णन मिशन की जो है वो स्थापना करी, तो तीनों ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों से ही जो है वो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में. द नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक स्वदेशी कॉल फर्स्ट टाइम एट विथ सेशन, तो INC ने जो है वो सबसे पहले स्वदेशी कॉल जो है वो बनारस सेशन में ली थी, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इसके लीडर थे बनारस सेशन में, एंड इन्होंने जो भी फॉरेन गुड्स वगैरह थी, फॉरेन चीज़ें थी, उनको जो है वो जलाया था, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स इन विद सेशन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो INC दो ग्रुप्स में जो है वो कब डिवाइड हो गई थी, कौन से सेशन में, तो सूरत सेशन में जो है वो ये दो ग्रुप्स में जो है वो क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी. द नेक्स्ट इज द बरदौली मूवमेंट वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ लैंड टैक्सेस लेड बाय, तो बरदौली मूवमेंट जो है वो वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो लीडर थे इसके, और इसी मूवमेंट के दौरान जो है वो इन्हें सरदार की उपाधि जो है वो दी गई थी. द नेक्स्ट इज द रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो रेडियो कम्युनिकेशन आपकी जो है वो आइनोस्फेयर में पॉसिबल है, ऑप्शन सी. द नेक्स्ट इज द इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन बाई द नेम ऑफ, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जो है वो कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसको जमुना के नाम से जो है वो ब्रह्मपुत्र में जाना जाता है, सॉरी बांग्लादेश में जो है वो जमुना के नाम से जाना जाता है, एंग सेंगपो नाम से जो है वो इसको तिब्बत में बोलते हैं, सेंगपो जो है वो इसको तिब्बत में जो है वो सेंगपो नाम से जानते हैं. द नेक्स्ट इज दी सांबर लेक इज प्रेजेंट इन विच स्टेट, तो सांबर लेक आपकी जो है वो राजस्थान में जो है वो प्रेजेंट है, ये क्या है, एक सॉल्ट लेक है. द नेक्स्ट इज द टर्म बूस्टर इज रिलेटेड टू, टर्म बूस्टर जो है वो किससे रिलेटेड है, ये आपकी जो है वो वॉलीबॉल से रिलेटेड, ऑप्शन ए. द नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ अटल टनल, तो अटल टनल की लेंथ जो है वो 9.02 किलोमीटर है. द नेक्स्ट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जापान, जापान की पार्लियामेंट का क्या नाम है,
डाइट जो है वो जापान की पार्लियामेंट का नाम है, नेसेट जो है वो आपकी इज़राइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है, एंड डूमा जो है वो आपकी रशिया की पार्लियामेंट का नाम है, एंड शोरा जो है वो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है। ओके, एंड इंडिया की पार्लियामेंट को तो पार्लियामेंट या संसद ही बोलते हैं। द नेक्स्ट इज द युआन इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो युआन जो है वो आपकी चाइना की जो है वो करेंसी है, ठीक है, और जो आपका ताइवान है उसकी करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। न्यू ताइवान डॉलर जो है वो इसकी करेंसी है, और कुवैत की करेंसी जो है वो कुवैती दिनार। ओके, कुवैती दिनार जो है वो आपकी कुवैत की है, और बचा आपका जापान, तो जापान की जो करेंसी है दैट इज द येन। द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो आपका 6 अक्टूबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, एंड 22 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, एंड 16 मार्च को जो है वो नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। नाउ द सेक्शन 4 दैट इज द केमिस्ट्री। द फर्स्ट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज। कॉपर की जो है वो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इनमें से कौन सी है? तो कॉपर का जो है वो एटॉमिक नंबर 29 होता है, ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होनी चाहिए थी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। ये जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 4s में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और यहाँ जो लास्ट वैलेंस शेल है वो क्या हो जाता है? आपका फुल्ली फिल्ड। ठीक है, ये फुल्ली फिल्ड क्यों होता है? क्योंकि जो फुल्ली फिल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3d10 4s1 होगी। ठीक है, तो 3d10 4s1 जो है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। सेम कॉपर की तरह जो है वो क्रोमियम का भी जो है वो एग्जाम्पल आ सकता है आपको, तो क्रोमियम के केस में भी ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका लास्ट होता है उसमें यहाँ पर जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ऐसी होती है, 4s2 जो और 3d4 जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन होती कैसी है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 4s1 एंड 3d5। सेम यही कि जो लास्ट ऑर्बिटल यहाँ पे कैसा होता है? हाफ फिल्ड होता है, और हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। द नेक्स्ट इज द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय। तो ओरिएंटेशन एटॉमिक ऑर्बिटल की जो अब इन चारों में से हम किससे पता लगा सकते हैं? ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है? बेसिकली द पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का आपने एड्रेस देना हो तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो 4 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल, थर्ड मैग्नेटिक, एंड फोर्थ पे आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये आपका बताता है नंबर ऑफ, या मेन एनर्जी शेल जो है वो इसको बताता है ये कौन सा है। ठीक है, मेन एनर्जी लेवल ये शेल जो है वो ये बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको एम से डोनेट करते हैं। एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो आपका एंगुलर मोमेंट ऑफ सब शेल जो है वो बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सब शेल। ठीक है, ये एन माइनस वन जो है वो हम इसको लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है? एस के साथ आपका 0, एस पी डी एफ जी ऐसे करके आते हैं। एंड थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये जो है वो आपका बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड उसको बताता है। ठीक है, एंड द लास्ट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो बताता है आपकी ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द विच एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। तो कौन से एलिमेंट का जो है वो सबसे छोटा साइज होगा? ठीक है, तो बोरॉन के ही ग्रुप में जो है वो आपका एल्यूमिनियम आता है, और बोरॉन के बाद आपका कार्बन आता है, देन नाइट्रोजन एंड
नाइट्रोजन के ही ग्रुप में आपका जो है फॉस्फोरस आता है। तो हमें पता है कि जब आप अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं, ठीक है, तो जो आपका एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम वॉज फॉस्फोरस, तो आपके वहाँ वैसे ही जो है वो ऑप्शन से कट के, ठीक है। अब बचा आपका बोरॉन और नाइट्रोजन में से, तो जैसे ही हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो नाइट्रोजन का जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइज होगा, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, राइट। नेक्स्ट इज द टेंडेंसी टुवर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज मैक्सिमम इन, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होती है, क्योंकि इसमें जो है वो क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो इसमें होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो इसमें होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव द मैक्सिमम टेंडेंसी टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। द नेक्स्ट इज द सॉल्ट पीटर इज एन ओर ऑफ, तो सॉल्ट पीटर आपका जो है वो किसका ओर है, सॉल्ट पीटर जो है वो आपका पोटेशियम का जो है वो ओर है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका जो लेड है उसके दो ही ओर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी दोनों, फर्स्ट वन इज द गैलेना, सेकेंड वन इज द एंजिलेसाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपके लेड के दोनों ओर, और पोटेशियम का जो है वो आपका सॉल्ट पीटर हो गया, और एक है आपका कार्नेलाइट, और जिंक के जो है वो आपका है जिंक ब्लेंड एंड कैलामाइन, एंड आपका जो कैल्शियम है, ठीक है, तो कैल्शियम के क्या क्या है, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट जो है वो आपके कैल्शियम के जो है वो और हैं। आपका ये जो डोलोमाइट है वो आपका कैल्शियम के साथ साथ जो है वो मैग्नीशियम का भी और है। द नेक्स्ट इज द सोल्डर इज एन एलो ऑफ, तो सोल्डर जो है वो किसका एलो है, वो है आपका टिन और लेड का, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। और ये जो आपका टिन, जिंक और कॉपर है, ये आपका गन मेटल बनाता है, ठीक है। गन मेटल से भी जो है वो लास्ट टाइम HP टैट नॉन मेडिकल में जो है वो ये पूछा गया था गन मेटल का, तो टिन, जिंक और कॉपर, और कॉपर और टिन जो है वो आपका ब्रॉन्ज यानी कि कांसा में जो है वो होता है, ठीक है, एंड कॉपर एंड निकल जो है वो आपका रोल्ड गोल्ड। द नेक्स्ट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस, तो प्लास्टर ऑफ पैरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है आपका, CSO4½H2O। आपका जो CSO42H2O है वो आपका जिप्सम का जो है वो फॉर्मूला है, एंड फेरस सल्फेट जो है वो दैट इज द ग्रीन विट्रॉल, एंड जिंक सल्फेट जो है दैट इज द व्हाइट विट्रॉल। द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी, तो मैक्सिमम जो है वो चार बॉन्ड हो सकते हैं, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो मिथेन है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज द 109.5, आपका जो अमोनिया है उसका एंगल होता है 107.5, एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया आपका 180, एंड वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ दी 104.5। तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज इन हायर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गैस लोअर बिकॉज, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एंथैल्पी जो है वो जीरो होती है, क्योंकि उस टाइम वो क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट। द नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड, तो यहाँ पे जो है वो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगा, तो क्रोमियम को हम एक्स मान लेते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है वो क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 6, तो
जीरो से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, राइट होगा। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है वो आपका हैवी वाटर D2O जो है वो यूज होता है। द नेक्स्ट इज द लीस्ट एबेंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो लीस्ट एबेंडेंट जो है वो आपका ट्रिटियम है और मोस्ट एबेंडेंट जो है वो आपका प्रोटियम है। द नेक्स्ट इज द लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विद। तो आपके जो सेकंड और थर्ड सीरीज के जो थर्ड पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया कि लिथियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप है, तो लिथियम ऐसे होगा, सेकंड फर्स्ट ये हो गई, सेकंड पीरियड आपका ये हो गया थर्ड, तो आपका जो लिथियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ जो है वो शो करेगा, आपका मैग्नीशियम के साथ। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इतना याद रखें कि डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट ही जो है वो शो करते हैं। द नेक्स्ट इज द कार्बोरंडम इज ए। तो कार्बोरंडम क्या है, ये एक सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है, सिलिकॉन और कार्बन का कंपाउंड सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरंडम, और एक और होता है आपका दैट इज द कोरंडम, ठीक है। तो कोरंडम जो है वो आपका एल्यूमिनियम का जो है वो और है एल्यूमिना, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है आपने। द नेक्स्ट इज व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड द गैस इवॉल्व्ड इज। तो जब हम फॉर्मिक एसिड को जो है वो हीट करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मिक एसिड, जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड में हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिहाइड्रेशन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर जो है वो प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, राइट। द नेक्स्ट इज द थर्मोडाइनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो थर्मोडाइनेमिकली जो सबसे स्टेबल है दैट इज द ग्रेफाइट, और आपकी जो लेड पेंसिल है उसमें भी जो है वो आपका ग्रेफाइट ही जो है वो यूज होता है। द नेक्स्ट इज द सोडा लाइम टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज फॉर। तो सोडा लाइम टेस्ट आपका जो है डाइजो कंपाउंड्स के लिए जो है वो यूज नहीं होता है। द नेक्स्ट इज एनिलीन इज प्योरीफाइड बाय। तो एनिलीन आपकी जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन के साथ जो है वो प्योरीफाई होती है, और स्टीम डिस्टिलेशन के साथ जो है वो हम सेपरेशन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल की सेपरेशन भी जो है वो हम इसी मेथड से जो है वो करते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज द IUPAC नेम फॉर। तो इसका जो है वो IUPAC नेम क्या होगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी है जिसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, CH3, CHOH, CH2, CH3, CH3 and OH, ओके। सो अब आपने इसकी जो है नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 1, 2, 3, 4 and 5। तो आपका जो है वो सेकंड पोजीशन पे जो है वो आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे जो है वो आपका हाइड्रोक्सी यानी कि ऑल ग्रुप जो है वो, अल्कोहल को हम किस चीज़ से डोनेट करते हैं, ऑल से, ठीक है। तो क्या इसका जो है वो सही नाम होगा, 2-methyl-pentane-2,4-diol। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मिथेन की जो क्लोरीनेशन है, तो मिथेन में क्या होता है, इसमें जो है वो क्लोरीन जो है वो एक हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर देती है, सब्स्टिट्यूट करती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। द नेक्स्ट इज द बेंजीन मॉलिक्यूल हैज। तो बेंजीन में जो है वो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये जो है वो आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो पाई बॉन्ड तो इसमें सिर्फ 3 है, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर जो है वो कार्बन जो है वो, अगर आप इसकी बैलेंसी पूरी करें तो 1, 2, 3 ही बॉन्ड है। एक इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच होती है सभी के साथ यहाँ पर, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन यानी कि 6 बॉन्ड वो हो गए और 6 ये हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए आपके, 12, ओके। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है ना।
छः जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में होंगे सिंगल बॉन्ड, और छः जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो छः छः 12 जो है वो सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा हो गए, और जो डबल हैं वो तीन हैं, तो पाई बॉन्ड आपके कितने हो गए, तीन। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन नेफ्थलीन इज, तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें जो है वो दो बेंजीन रिंग जो हैं वो आपस में ज्वाइन होती हैं, ठीक है, तो ये जो है वो इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 जो है वो पाई बॉन्ड हो गए, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेस, तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन जो है वो आपकी स्किन कैंसर कॉज करती है, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट इज द एसिड रेन एंड पीएच इन द रेंज, तो एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 5.6 से जो है वो लो होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे, राइट। द नेक्स्ट इज द भोपाल गैस ट्रेजिडी वाज कॉज्ड बाय, तो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो लीक हुई थी आपकी, ठीक है। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3M सॉल्यूशन इज, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो मोलैरिटी जो है वो क्या होती है आपकी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल इन सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। तो अब मोलैरिटी का जो है वो हम कैपिटल एम से जो है वो जनरेट करते हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स को एन से वॉल्यूम इज इक्वल टू अभी, तो यहाँ पे जो है वो आपकी जो वॉल्यूम दिया है दैट इज द 3 लीटर, और मोलैरिटी भी दी है आपकी 3, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं, ठीक है, तो n इज इक्वल टू m इंटू, अभी मोरेलिटी आपकी दी है 3, वॉल्यूम भी है 3, 3 3 9, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। द नेक्स्ट इज द लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस जो है वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O, दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होगा, जिसमें क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड, और डायमैग्नेटिक में क्या होता है आपका सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे होंगे, पेयर्ड। तो हम इनका जो है वो एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले, या आप एटॉमिक नंबर नहीं तो इनका जो है वो लास्ट बैलेंस शेल की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद है तो वैसे लिख सकते हैं, नहीं तो एटॉमिक नंबर लिख कर जो है वो आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ द 29, और सिल्वर का आपका है 47, जिंक का है 30, एंड गोल्ड का है आपका 79, ठीक है। तो ये जो कॉपर सिल्वर और गोल्ड हैं ये जो हैं वो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, तो इनकी जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कॉपर की क्या होती है, 3d10 4s1, आपकी जो सिल्वर है उसकी होती है आपकी 4d10 and 5s1, एंड जो गोल्ड होता है उसकी आपकी होती है 5d10 6s1, और जिंक की आपकी होगी 3d10 4s2, ठीक है, ये आपकी हो गई जिंक की। तो अब जो है वो यहाँ पे 2 पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो पहला यहाँ से जाएगा दूसरा यहाँ से, तो इसमें रह गया सिर्फ 9, यानी कि ये कैसा हो गया आपका पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड रह गया ना, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो इसके जो ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक, यहाँ से 2 चले गए ये फिर भी डायमैग्नेटिक रहा, और यहाँ से जो है वो सिर्फ 1 ही गया, तो फिर कितना रहा ये डायमैग्नेटिक यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, तो ऑप्शन ए जो अब यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।